जनपद में बोर्ड एग्जाम को संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन की तैयारी पूरी हो गई है, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि 24 मार्च से शुरू होने वाले बोर्ड एग्जाम को संपन्न कराने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था पूरी की जा चुकी है और सभी परीक्षा केंद्रों की मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम को स्थापित किया गया है। उन्होंने कहा, सभी परीक्षा केंद्रों के प्रधानाचार्यों के साथ बैठक की जा चुकी है और सभी परीक्षा केंद्रों पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। मोबाइल टीम, उड़न दस्ता सक्रिय रहकर सभी परीक्षा केंद्रों की जांच करेंगे और कंट्रोल रूम के माध्यम से सभी परीक्षा केंद्रों की मॉनिटरिंग की जाएगी, जिसके लिए मजिस्ट्रेट को तैनात किया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति नकल करते पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, जैसे हम बोर्ड परीक्षा के लिए पूरी प्रशासनिक व्यवस्था और प्रबंधन तंत्र में हम लोगों ने पूरी कार्रवाई की है। कंट्रोल रूम हमारा स्थापित है, सभी जगह कैमरास लग गए हैं, सभी परीक्षा केंद्रों पर केंद्र व्यवस्थापकों से बैठक हो गई है, सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट्स द्वारा भ्रमण किया जा रहा है, उनके द्वारा सूचनाएँ दी जा रही हैं, अवस्थापनाओं को देखा जा रहा है, पुलिस व्यवस्था वहाँ पे केंद्रों पे सुनिश्चित किया जा रहा है, मोबाइल टीमें उड़न दस्ते हमारे कार्यशील रहेंगी, कंट्रोल रूम के माध्यम से लगातार इसकी मॉनिटरिंग के लिए हमने मजिस्ट्रेट तैनात किए हैं, उसकी फील्ड में हम लोग सभी देख भी रहेंगे, लगातार भ्रमणशील रहेंगे, कोई भी अगर किसी तरह के अनावश्यक हस्तक्षेप करता है या नकल करने का प्रयास करते हैं तो उनके खिलाफ़ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए हम लोग तैयार हैं।